गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम शुरू करेंगे बेसिक से, है ना। एबेकस को हम लोग जो भी नंबर्स हैं उसमें वन कैसे होता है, टू कैसे होता है, थ्री कैसे होता है, फाइव कैसे होता है, सिक्स कैसे होता है, वो सारा का सारा हम इस वीडियो में दिखने वाले हैं। आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। एक एक चीज़ समझाई जाएगी, ड्रॉ भी करूँगा मैं, और आप साथ में उसको देखते रहिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। इसको धीरे धीरे देखना है, बहुत ईजी है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अबेकस है हमारा, ठीक है। इसको बोला जाता है अपर बीट्स। क्या बोलते हैं इसको? अपर बीट्स। ये सारी की सारी क्या है? लोअर बीट्स। क्या है ये? लोअर बीट्स, ठीक। फिर से देखो जीगा, ये सारी की सारी क्या है हमारी? अपर बीट्स है। ये सारी की सारी क्या है हमारी? लोअर बीट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल करना है, चलिए मुझे अगर करना है वन, कितना करना है मुझे? वन करना है। तो मैं क्या करूँगा देखिएगा। तो वन करने के लिए देखिए, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है ना, तो ये रही, और ये जो है वर्टिकल लाइन जो हमको दिख रही है वो ये रही, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये ड्रॉ किया है मैंने, और ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको वर्टिकल, ये क्या है यहाँ पर? वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अभी मुझे क्या लेना है? वन लेना है। तो वन के लिए यहां पर कितने बीट्स आएंगे? ओनली वन बीट्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हाँ याद रखिएगा, जब भी आप लेके जा रहे हो लोअर बीट्स को ऊपर लेके जा रहे हो, थंब से ले जाना है, थंब अप, फिंगर डाउन, डाउन फिंगर अप थंब, ठीक है। समझ बेसिक है, समझते हैं धीरे धीरे। देखिए क्या करेंगे, अब देखो यहां पर ये जो है ना, यहां पर जो है ना, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट रोड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सेकंड रोड है, ये हमारी थर्ड रोड है ना। तो देखिए ये है ना, ये जो है ना, ये इसमें सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक आएंगे। अगर 10 आ रहा है तो 10 इधर से आएगा, कैसे आएगा मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो 100 है वो यहाँ से आएगा, ठीक है। देखिए तो हमें क्या करना है, इधर 1 करना है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये हो गया हमारा अप, ये भी हो गया हमारा, देखो ये हो गया, टच हो गया इसको, है ना। तो ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा, देखिएगा ये क्या बन गया हमारा, जी ये हमारा हो गया 1, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे 1। अभी हमें करना है 2, कितना करना है अभी हमको? 2 करना है। तो क्या करेंगे समझिएगा, इसको ऐसे कर दीजिए आप, है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा और ये हो गया, इसको डाउन कर देते हैं। अभी यहाँ पे 2 है तो हमको यहाँ पर चाहिए 1 और एक और चाहिए यहाँ पर हमको 2। समझ में आ रहा है, ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं। तो 2 चाहिए 1 बीड, सेकंड बीड, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, देखो है ना, अंगूठा ले लीजिए, है ना, इसको अभी यूज कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में, ठीक है। देखिए धीरे धीरे मेंटल मैथ्स में आपको सिखाऊंगा सारा, बट अभी 2 हमको करने हैं, 2 करने हैं। तो क्या करेंगे देखिए, है ना, 1 और ये आपका हो गया 2, ठीक है। देखिए क्या कैसे करेंगे, 1 और ये हो गया अपना 2, 1 2, ठीक है, 1 2 1, ये हमारा हो गया 2। अगर एबेकस में 2 करना है तो ये हमारा हो गया 2 हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी फॉर एग्जांपल हमको करना है 3, है ना, तो हम लोग इधर लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं पहले। तो 3 करने के लिए क्या करेंगे, 3 करने के लिए समझिएगा, इसको मैं डाउन कर देंगे, 1 डाउन 2 डाउन, ठीक है। देखिए 3 है तो 1 2 3, 1 2 3, है ना। देखिए कैसे करेंगे, समझना इजी है, हाँ, 1 अप 2 अप 3 अप, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 3 हो गया, इधर 1 हो गया, है ना, ये 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा 3 हो गया। अभी हमें करना है 4, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए अभी हमें क्या करना है,
अभी हमें करना है फोर। तो देखिए ऐसे करेंगे, ये हमारा वर्टिकल हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना। तो इसको हम डाउन कर दें, वन डाउन, टू डाउन, थ्री डाउन। तो कैसे करेंगे फोर, अगर करना है हमको फोर, समझिएगा। देखिए फोर हो गया हमारा, है ना। तो देखिए वन टू थ्री और ये हो गया हमारा फोर, है ना। कैसे करेंगे समझना, बहुत इजी है, करें वन टू थ्री फोर, ये हमारा हो गया फोर हो गया, है ना। चलिए तो जीरो जीरो कर देंगे, है ना। जब भी आपको खत्म करना है जीरो जीरो कर देना। चलिए वन डाउन, टू डाउन, थ्री डाउन, फोर डाउन, तो ये हमारा हो गया फोर। तो हमको आ गया करना, कैसे करेंगे इसको टच करना है। तो देखिए वन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग वन प्लस वन, है ना, वन प्लस वन बोलते हैं इसको। तो ये टू हो गया और ये वन टू, ये हो गया हमारा थ्री, फिर वन टू थ्री, ये हो गया हमारा फोर, ठीक है। तो फोर तक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अभी हम करेंगे फाइव। तो अभी समझिएगा, तो मैक्सिमम आपने देखा कि लोअर बिट्स के अंदर कितने होते हैं, फोर ही होते हैं, है ना, फोर बिट्स ही होते हैं। तो फाइव करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, हम पहले इसको जीरो जीरो कर देंगे, जीरो जीरो कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, फाइव लेना है, फाइव लेना है एबेकस के ऊपर। तो ये जो है ना अपर बिट जो होती है ना, ये ना ये फाइव है, इसको हर एक को हम वन करेंगे। ये को वन है, ये अकेला वन है, वन 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 वन, ठीक है। ये अकेला क्या है, फाइव है, समझिएगा। ये जो हाँ ये जो होता है एबेकस जो होता है, देखिए इसमें ऐसे होता है एक दो तीन चार, है ना, और यहाँ पर हो गया ये पाँच हो गया, फाइव हो गया, है ना। तो ये जो लोअर बिट्स है ना, ये लोअर बिट्स हैं, इसको हर एक की वैल्यू वन होगी, हर एक की वैल्यू वन होगी, हर एक की वैल्यू वन होगी, हर एक की वैल्यू वन होगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है फाइव। इसकी हर एक की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, इसकी हर एक की वैल्यू होती है वन, समझ लीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना, ये ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, अपर बिट्स बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आपके लिए फाइव होती है, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा समझ में आ रहा है। तो अगर मुझे फाइव करना है, अगर मुझे कितना करना है, फाइव करना है, तो मैं क्या करूँगा, डाउन करूँगा। डाउन करने के लिए ये हमारी फर्स्ट फिंगर हम यूज़ करेंगे, है ना। आप लेफ्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हो, राइट हैंड भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे आर डाल लीजिए, डाउन फिंगर डाउन। तो देखिए ये फाइव है बेटा, है ना। चलिए तो ये हो गया, अब इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम फाइव। कैसे पढ़ेंगे समझिएगा, जैसे कि ये ऐसा है जीरो जीरो है और यहाँ पर अकेला ये डाउन हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, फाइव बोलेंगे, है ना। ये सारी की सारी वैल्यू नीचे ही होंगी, तो वन टू थ्री और फोर, इसको हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसको अकेले को क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, फाइव पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया फाइव, ठीक है। ऐसे हम लोग उसमें काम करने वाले हैं। तो ये हो गया फाइव करना है। चलिए तो अभी फाइव हो गया हमारा, तो बोलो सर अभी सिक्स करना है तो क्या करेंगे। ये वन हो गया, टू हो गया हमारा, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, और सिक्स करना है तो यस सिक्स करना है तो एकदम इजी है। जैसे हम करते हैं फाइव प्लस वन, ऐसे हमारे पास पांच उंगलियां हैं और हमको सिक्स बताना है बच्चे को, तो हम क्या बोलेंगे, फाइव वन सिक्स, है ना। फाइव प्लस टू कितना होता है, सेवन। वैसे इसमें हम काम करेंगे, पहले जीरो जीरो कर देने का हमेशा, ऐसे आप आर डाल दीजिए, ठीक है। देखिए हाँ अभी देखिए ये फाइव था, अभी हमें क्या करना है, सिक्स करना है। चलिए सिक्स करते हैं, देखिएगा इजी है ये हमारा, हमने मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। तो पहले फाइव ये हो जाएगा, देखिए फाइव हो गया, है ना, फाइव ये हो गया हमारा, और फाइव ये, और ये इसको बोलते हैं सिक्स, इसको क्या बोलते हैं, सिक्स बोलते हैं। देखिए ये हो गया फाइव, मैंने आपको बताया था ये हो गया फाइव, तो ये फाइव डाउन किया मैंने। चलो फिर से ये मैंने क्या किया, फाइव डाउन, फाइव डाउन, और ये वन अप, फाइव डाउन वन अप। तो ये वन है, ये फाइव है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी दोनों की, अगर हम दोनों को इकट्ठा करते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी होगी,
तोले सर होगी इसकी वैल्यू 6 हो गई, तो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, वैल्यू हमारी हो जा रही है यहाँ पर 6 हो जा रही है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, इसको मैं 0-0 कर देता हूँ। अभी हमें करना है 7, अभी क्या करना है हमको 7 करना है, तो चलो 7 करेंगे। तो 7 में भी सेम वही मेथड यूज करेंगे, 5 और ये होता है 2, 7। हाँ, तो देखिए समझिएगा, इजी है ये, है ना, 5 है ना, तो देखिए ये हो गया बेटा हमारा 5 हो गया, तो ये 5 हो गया। अच्छा, ये अब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो गया हमारा, और 6 ये 5 है, 5 + 1 = 6, 6 + 1 ऐसे करना है, देखिए है ना, इसको 6 और ये हाँ 7 है ना, तो ये देखिए हो गया हमारा 7, तो ये 5 ये 6 ये हो गया हमारा 7, तो 5 1 1, तो कितना हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा आने वाला है 7, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाने वाला है 7, हमारा ये हो जाने वाला है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको बेसिक यहाँ तक, ठीक है, पक्का, ठीक है। तो ये क्या हो गया है ना, इसके इससे याद करना, इससे देखो है ना, फिर से करेंगे, देखिए समझिए, ये 5 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7 हमारा हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर हमको 8 करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए एक एक चीज़ आराम से समझनी है, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, फंडामेंटल जितना अच्छा होगा उतना आपको काम करने में बाद में मजा आएगी, है ना, और अगर समझ में आ भी रहा है तो अच्छी बात है, और रिवीजन साथ में आपको करते रहना है, क्योंकि आपको जैसे अगर आप टीचर हो, आपको एबेकस सिखाना है, तो बच्चे को, आपको छोटे बच्चे आने वाले हैं एबेकस में, तो उसको बेसिक्स आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। आप पेरेंट्स हो तो भी आप अपने घर पे बच्चे को इसी इसका यूज़ करके आप उसको इजीली करा सकते हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे हम छोटे बच्चों को मैथ्स कराते हैं, इंग्लिश कराते हैं, वैसे एबेकस करवा सकते हैं, घर पे भी आप करा सकते हो, है ना, उससे ब्रेन डेवलप होता है बच्चे का। चलिए तो हाँ, अभी मुझे क्या करना है, 8 करना है, तो 8 के लिए क्या करेंगे समझिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। ये हो गया 5 हो गया, देखिए ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 7, तो ये हो गया हमारा 8, 5 है ना, 5 था, +1 6 + 1 7 + 1 8, तो ये कितना ऑर्डर 8 हुआ, तो ये हो गया हमारा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो करेंगे इसमें कैसे करेंगे, है ना, अगर आपके पास एबेकस है साथ में आप इसका यूज कीजिए, छोटा वाला एबेकस आपके पास होगा मे बी, चलिए देख लेते हैं, 5 डाउन, ये हो गया 5 है ना, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 8, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, क्या बोलेंगे इसको, 8 बोलेंगे, कैसे हुआ, ये 5 + 1 + 1 + 8 हो गया, इजी है काफ़ी। और 9 कैसे करेंगे, अगर हमको 9 करना है तो, 9 करना है तो काफ़ी इजी है, इसको अप ले जाइए, तो ये 5 हो गया, एक और को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए ऐसे करके, तो ये आपका देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5, ये 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा टोटल 9, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से 1 to 9 तक एबेकस में इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा 9 तक का पूरा फंडा हमारा क्लियर हो गया, हमने आपको 9 तक का करवा दिया, 9 कैसे करते हैं। अभी अगर हमको 10 करना है, 11 करना है, 100 करना है, 1000 करना है ना, तो कैसे करेंगे, है ना, 999 करना है, 777 करना है ना, 567 करना है, तो सारा का सारा एबेकस में किस तरह से किया जाता है वो अभी हम आने वाले लेक्चर में अभी पूरे में देख लेंगे, ठीक है। समझिएगा क्या है दिया हुआ इसके अंदर, काफ़ी इजी है। देखिए तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है जी। अब देखिए समझा भी देता हूँ आपको मैं, तो क्या ये है ना, ये यहाँ पर 9 तक आएगा सिर्फ, देखिए कुछ ऐसा समझिए आप, हाँ कुछ ऐसा आप समझने का ट्राई कीजिए। तो ये जो है ना, ये जो फर्स्ट रोड है हमारी, ये जो हमारी फर्स्ट रोड है हमारी, ठीक है, उसमें जो भी है 1 digit नंबर आने वाले हैं। ये जो हमारी 10th है ना, 10th वाली जो है,
टेंथ वाली जो है उसको हम टेंथ रोड बोलते हैं कभी कभी, या आप उसको सेकंड कॉलम भी बोल सकते हो। अब क्या बोल रहे हो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है वैसे, बट आप कॉलम बोल सकते हो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे ही बोल सकते हो, फर्स्ट, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, है ना, 10,000, वैसे आगे इसको जाना है। तो ये फर्स्ट हो गया, है ना, और ये हंड्रेड, हंड्रेड मतलब क्या हुआ, एक है, उसके बाद एक और जीरो, फिर एक और जीरो, फिर एक और जीरो, है, थाउजेंड करना क्या करेंगे, देखिए थाउजेंड करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये वन जीरो बढ़ा यहाँ पे, यहाँ पे दो जीरो हो गए, यहाँ पर कितने होंगे बेटा, यस थ्री जीरो यहाँ पर हो जाएंगे, थ्री जीरो यहाँ पर आपके हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। चलिए आगे जाओगे तो वैसे एक और जीरो आपका बढ़ने वाला है, तो अभी बेसिक है तो अपने यहाँ तक जाते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में धीरे धीरे हम लोग उसकी आपकी जो भी है कैपेसिटी बढ़ाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये टेंथ हो गया, ये हंड्रेड हो गया, ये थाउजेंथ हो गया हमारा, है ना। हाँ, अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी बोल सकते हो, है ना, अगर आपको बोलना है। चलिए तो फर्स्ट हो गया ये, है ना, तो ये फर्स्ट, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, समझिए यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको मैं भी रब कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए, मैं इसको क्या करता हूँ अभी रब कर देता हूँ, ठीक है, बाद में हम इसको देखेंगे, ठीक है जी। पहले हम 19 तक देखते हैं, 19 कैसे करते हैं, वहाँ तक जाएंगे फिर हम आगे करेंगे। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट है, यहाँ पर टेंथ है, तो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, समझिए यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर लोअर बीट भी नहीं है और अपर बीट भी अगर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जीरो बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, जीरो, तो ये जीरो है। और अगर हमको अभी टेन करना है तो हम क्या करेंगे, यहां से वन, वन अप कर देंगे, क्या कर देंगे, वन अप, तो ये वन अप हो गया, ये यहां पर वन हो गया ना, देखिए समझ, यहां पर ये वन हो गया, यहां पर ये जीरो है, यहां पर ये वन हो गया हमारा, और यहां पर क्या है, ये जीरो है, देखिए समझिए, यहां पर मैंने कुछ, कोई मूवमेंट मुझे नहीं करनी है अभी, नथिंग, तो ये मैंने यहां पर कर दिया, यस यहां पर कर दिया मैंने, एक ले लिया, तो ये क्या है, वैसे देखी जाए तो मैंने आपको सिखाया लेक्चर में, इसको हम वन बोलते हैं, इसको हम वन बोलते हैं ना, मैंने आपको सिखाया अभी, तो ये वन है, यहां पर तो कुछ भी नहीं है ना, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, जीरो बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हम जीरो बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, वन जीरो क्या होता है, वन जीरो होता है टेन होता है ना, ये वन हो गया, यहां पर ये जीरो हो गया, तो वन जीरो को क्या बोला जाता है, वन जीरो को बोला जाता है टेन। अच्छा चलिए, तो सर अगर ट्वेंटी करना हो तो, अगर हमको ट्वेंटी, अभी टेन हो गया हमारा, तो ट्वेंटी करना है पहले हमको, चलिए ट्वेंटी कर लेते हैं, तो यहां पर ये जो है ना, ये तो जीरो ही गिना जाएगा यहां पर, है ना, यहां पर मैंने कुछ भी नहीं किया, देखिए ये मैंने भी जीरो जीरो कर दिया, यहां पर इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। हाँ, अभी ये जीरो जीरो हमारा यहां पे सेट हो गया, जीरो जीरो हमारा यहां पे सेट हो गया, कुछ भी नहीं किया अभी हमने, शुरू हुआ, अभी हमको करना है ट्वेंटी, कितना करना है, ट्वेंटी करना है। तो ट्वेंटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्वेंटी के लिए हमको मालूम है कि टू, तो हमको मालूम है कि हाउ टू डू टू, तो देखिए ये हो गया वन और ये हो गया हमारा टू, वन टू, वन टू, तो देखिए ये हो गया यहां पर हमारा वन और ये यहां पर हो गया हमारा टू हो गया, क्या हो गया, वन हो गया और क्या हो गया यहां पर आपका टू हो गया। और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर तो कुछ भी नहीं है, यहां पर तो कुछ भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, यस इसको हम बोलेंगे जीरो। तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्वेंटी, क्या हो गया ये हमारा ट्वेंटी, हमारा ये हो गया है, ठीक है, ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा ट्वेंटी हो चुका है, ठीक है, तो ट्वेंटी हो चुका है, कर देते हैं, देखिए ये फर्स्ट फिर से करेंगे, देखिए ये हो गया वन, ये हो गया टू, तो ये टू हो गया, इधर इधर तो क्या है, इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो वन टू टू और यहां पर जीरो, तो ये टू और ये जीरो, ये टू ये जीरो, तो क्या हो गया, टू जीरो क्या होता है, टू जीरो होता है हमारा ट्वेंटी होता है, ठीक है। अच्छा अभी अगर हमें करना है ट्वेल्व करना है, हमें क्या करना है अभी, हमको हो गया कि सर ठीक है हमको समझ में आ गया, ठीक, काफी अच्छी तरह से हमको समझ में आ गया, ठीक है, अभी हमें करना है ट्वेल्व, ठीक है, तो ट्वेल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 12
ट्वेल्व अगर हम बात करें, अगर हमें ट्वेल्व करना है, अगर हमको क्या करना है, ट्वेल्व करना है, तो ट्वेल्व के अंदर क्या है, ट्वेल्व में यहाँ पर क्या आना चाहिए, टेंथ पे क्या आना चाहिए, अगर हम बात करें मैथ्स की तो वन आना चाहिए, तो वन तो हमको करना आता है, ठीक है। तो हम पहले इसको, ये हमारा जीरो जीरो हो गया, ये भी हमारा जीरो जीरो है, हमें क्या करना है, ट्वेल्व करना है, वन टू ट्वेल्व। तो देखिए ये हो गया है हमारा वन, है ना, एक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, देख समझिएगा, ये हमारा हो गया वन, और हमें टू भी करना है ना, टू करना है हमको, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो देखिए वन और ये टू, देखिए ये हो गया वन, ये हो गया इधर हमारा टू, तो ये वन है टेंथ पे, ये क्या है हमारा टू है, समझिएगा काफ़ी ईजी है, ये हमारा क्या है वन है, ये क्या है हमारा टू है, तो वन और टू को क्या बोलते हैं, ट्वेल्व बोलते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्वेल्व हो गया, देखिए ये हो गया वन, ये हो गया हमारा टू, तो वन और टू क्या हो, वन टू, है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है, समझिए वन टू ट्वेल्व हो गया, वन टू ट्वेल्व हो गया, है ना। एक और देखते हैं, अगर हमें करना है अभी फॉर एग्जाम्पल 25 करना है, हमें अभी क्या करना है 25 करना है, ठीक है, इसको रब कर देते हैं पूरे को, है ना, आराम से करेंगे, बढ़िया एकदम। अभी मुझे करना है, बोले सर अभी मुझे करना है 25, मेरा क्या गोल है अभी, मुझे एबेकस में करना है 25, वो मेरा अभी गोल चल रहा है कि सर 25 मुझे करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करूँगा मैं, समझिएगा, है ना, पहले ड्रॉ कर देते हैं इसको ऐसे आराम से, है ना जी, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा टेंथ, ये हो गया फर्स्ट रोड, ये हो गया हमारा टेंथ रोड, तो 25 करना है, चलिए, तो 25 करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, टेंथ वाले पे क्या चाहिए, टू चाहिए ना, टू, तो देखिए यहाँ पर वन और यहाँ पर ये हो गया टू, है ना, इसको पहले हम, ये भी जीरो जीरो। अच्छा फाइव कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया अपर बीड को क्या करना है, आपको डाउन करना है, ठीक है, अपर बीड को क्या करना है, आपको डाउन करना है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फाइव, ठीक है। तो देखिए ये हो गया टू, वन टू, ये क्या करना है हमको, अपर जो बीड है उसको हम डाउन करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइव बोलते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा टू, ये हो गया हमारा फाइव, 25 कैसे करेंगे अब, इसमें देखिए ये टू है ना, थंब का यूज करना है, वन टू, ठीक है, वन टू, है ना, ये मास्टर एबेकस है, इसकी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आप छोटे वाले एबेकस में करोगे तो आपका फटाफट मूवमेंट आएगा, है ना, ये हाँ, ये एज अ टीचर एज अ पेरेंट्स, है ना, अगर आपको लग रहा है घर पे बच्चे कर पाते हैं तो इसको आप एक परचेस कर लीजिएगा, काफ़ी मजा आएगी, बच्चों को भी मजा आएगी, ठीक है, वन टू, ठीक है, समझिए इसकी इसकी जो वैल्यू है करीब आती है ये 2000 से लेके 2500 के आसपास आ जाता है ना, 2000 टू 2500 के बीच में ये आपको मिल जाएगा, है ना, ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। ये टू हो गया, वन टू हो गया, और ये हो गया हमारा फाइव, ये हो गया हमारा 25, है ना, ये हो गया टू, है ना, समझिएगा टू, और ये हो गया हमारा फाइव, तो ये हो गया हमारा बेटा 25, ठीक है, इस तरह से हम लोग 25 कर सकते हैं। अच्छा अभी हमको बोलना सर 25 नहीं, मुझे तो सर अभी करके दीजिए आप 49 करके दीजिए मुझे सर, अब क्या करके देना है मुझे 49, इजी है, देखिए 49 पहले हम लिख लेते हैं, 49 समझ रहे हैं अभी, इनिशियल स्टेज है, फिर आपकी धीरे धीरे स्पीड आपकी बढ़ने वाली है, 49 है। तो चलिए यहाँ पर ये दो रोड मैंने ड्रॉ कर दी है ना जी जी, तो ये यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, यहाँ पर क्या आएगा 4 होगा, है ना, तो यहाँ पर ये क्या है टेंथ वाले रोड पे, है ना, 4 है, तो 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4, ठीक है, 4 हो गया हमारा, देखिए कैसे करेंगे 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4 इधर, है ना, अभी हम क्या करना है हमको 9 करना है, तो 9 कर लेना, चलिए देखिए ये हो गया हमारा 5, है ना, जब भी अपर बिड हम डाउन करेंगे, जब भी अपर बिड डाउन करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग 5 बोलते हैं, 9 करना है मुझे, तो 5 6 7 8 और ये हो गया हमारा 9, ठीक है, ये ऐसा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 9,
ठीक है। तो कैसे करेंगे एबेकस के अंदर, समझिएगा। देखिए पहले इसको 0 0 मैंने लगा दिया, अभी टेंथ रोड पे क्या करना है, मुझे 4 चाहिए, है ना। तो 4 कैसे करते हैं, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, ये हो गया 4। 9 कैसे करते हैं, 9 कैसे करते हैं, हाँ आप 5 को भी ले सकते हो पहले, आप 1 को भी ले सकते हो, है ना। तो मैं पहले 5 लेता हूँ, +5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 9, 49 हमको इधर मिल जाए, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं 49। अच्छा अभी आप बोलोगे सर 49 तो हमने कर लिया है ना, अभी आप करके दिखाइए हमको, 56 करके दिखाइए हमको कि सर 56 कैसे करते हैं। तो हम लोग करते हैं अभी 56 करते हैं, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं 56, देखिए 56 हमारा टारगेट है ना अभी का, उसको हम लिख लेते हैं, 56 हमारा टारगेट है। तो इसको हम लगा देते हैं पहले 0 0, पहले इसको हम ड्रॉ करेंगे, शांति समझेंगे पहले कैसे करते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेज है, एक एक चीज़ को मैं रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ बोर्ड पे, जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये हो गया हमारा, ये ऐसे हो गया हमारा, समझिएगा। तो ये 6 है हमारे पास, है ना, ये 5 है। तो पहले हम क्या करेंगे, 10th वाले को पकड़ते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप पहले इसको भी पकड़ सकते हो, यहाँ पर 6 करोगे यहाँ पर 5 करोगे तो बात तो वही होने वाली है, बट धीरे धीरे हम करेंगे। तो पहले हम इसको पकड़ते हैं, 10th वाले को पकड़ने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये हमारा 5 है, तुम क्या करेंगे इसको यहाँ पर, यस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओके 5 हमारा हो गया ये, इसको हम लिख देते हैं 5, इसे हमने क्या लिख दिया इसको हमने, ये हमारा 5 हो गया। अब ये क्या है हमारा, 6 है, 6 कैसे करते हैं, 5 down + 1 5 down + 1 6 होता है। तो देखिए ये हमारा हो गया इधर 5 हो गया, है ना, और 5 + 1 क्या होता है, 5 + 1 होता है हमारा 6 होता है, है ना। ये हो गया हमारा 5, ये 5 + 1 क्या होता है हमारा 6 होता है, है ना, समझिएगा, काफ़ी इजी है। तो 5 कैसे करेंगे एबेकस पे, देखिए ये हो गया हमारा, हाँ 5 down हो गया हमारा, देखिए 5 down हो गया, 5 down हो गया, ये 6 करना है हमको, क्या करेंगे देखिए, हाँ उल्टा भी कर सकते हैं, 1 + 5 है ना, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, 5 + 1 6, बात वही है, ये हो गया हमारा 5, देखिए ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 6 हो गया, समझ में आ रहा है 56 कैसे कर सकते हैं। अच्छा अब बताइए सर हमको, अब करके दीजिए 99, है ना, यहाँ तक आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ अगर आपको सीखना है, कोई डाउट सेशन है या लाइव लेक्चर्स जो हमारे होते हैं ट्रेनिंग के, अगर आपको भरने हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है। कोई डाउट सेशन भी हम लोग लेते हैं अलग से, और लाइव सेशन चलते हैं हमारे, है ना, कहीं पर भी हो आप ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पर भी आप घर पे बैठ के आराम से अपने मोबाइल से लैपटॉप से आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। और फीस भी काफ़ी नॉमिनल है, ठीक है, ओके हाँ, आप बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बच्चे भी अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, छोटे बच्चे अगर हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि एज ए पेरेंट्स आप साथ में रहिए, है ना। अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं 6th 7th में हैं तो उनको दिक्कत नहीं पड़ती, वो पढ़ लेते हैं, छोटा बच्चा है अगर 2nd में 3rd में है, है ना, तो एज ए पेरेंट्स आप उसके साथ में रहिए, साथ में धीरे धीरे आप करिए, ओके। तो वीडियो लेक्चर तो हम बना ही रहे हैं साथ में, और लाइव भी पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना, और पेरेंट्स को भी पढ़ा देते हैं, कई पेरेंट्स बोलते हैं हमको सिखा दो, हम बच्चों को धीरे धीरे सिखाते रहेंगे। कई लोग टीचर्स होते हैं कोचिंग क्लास वाले, वो भी हमसे बोलते हैं कि सर हमको सिखा दीजिए एबेकस, हमारे बच्चे आते हैं उनका थोड़ा मैथ्स पुअर है या समथिंग, मेमोरी थोड़ी लग रहा है कि मेमोरी और साफ करनी, शार्प कर सकते हैं, है ना, इससे मेमोरी शार्प होती है बच्चे की, है ना, छोटे बच्चे से लगे बड़ा बच्चा कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर डाला हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में। चलिए इसमें अभी क्या है समझिएगा, एक एक चीज़ शांति समझेंगे अपने, कोई जल्दी नहीं है आपको, अगर मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आपको समझ में आएगा ये वीडियो, आराम से देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। आपको PDF चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो भी मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको WhatsApp कर दूंगा या आपको मेल कर दूंगा,
ठीक है। तो देखिए 99 करना है मुझे, 99 मुझे करना है। तो देखिए पहले इसका, हाँ हाँ हमारा टारगेट हम लिख लेते हैं, हमारा टारगेट क्या है 99। ओके तो ये हमारा हो गया, ये हमने ड्रॉ कर दिया इधर, ये हमने इधर ड्रॉ कर दिया। तो ये 9 पकड़ते हैं पहले। अच्छा 9 करना हो तो हम क्या करेंगे, 5 करेंगे, है ना। ये हो गया हमारा 5, है ना, आराम से एक एक की समझेंगे। 5 हो गया, 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9 होता है। और यहाँ पर भी देखिए देखिए 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9 होता है। तो ये यहाँ तक हम समझ रहे हैं इसको। तो ये हमारा क्या हो गया 99। हाँ 100 कैसे करते हैं, 100 के बाद के नंबर, वो भी मैं इस लेक्चर में करने ही वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। कैसे करेंगे इसके अंदर, देखिए 9 है तो कर देते हैं। चलिए ये 10th वाले 5 डाउन, 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9 हो गया। यहाँ पर करेंगे 9, 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9। यहाँ पर भी 9 हो गया हमारा, और ये यहाँ पर भी 9 हो गया। तो क्या बन गया हमारा, ये 99 बन गया, 99 बन गया हमारा। ठीक है ठीक है। तो यहाँ से मतलब आप समझिए कि आप 1 to 99 अब आप आराम से इजीली बना सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इजी है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, बहुत इजी है। अच्छा अब बोलोगे सर ऐसा नहीं, मुझे तो सर 121 करना है, क्या करना है मुझे, मुझे सर आप अबेकस में सिखा दीजिए कि अबेकस के अंदर 121 अगर मुझे करना है, 121 तो मैं क्या करूँगा, 121 अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा। तो कोई जो लॉजिक 10th रोड पे था वही लॉजिक 100 जो रोड है या थर्ड कॉलम है, देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस पर वही लॉजिक लगने वाला है। 1000 पे भी वही लगता है, 10,000 नंबर पे भी वही लगता है, 1 लाख वाले रोड पे वही लगता है ना। तो वही एक ही रूल है, हर एक रोड पे आपको 99 मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। समझते हैं कैसे करेंगे, 1 to 1 कैसे करेंगे, समझिएगा। पहले हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करेंगे समझेंगे, काफ़ी इजी रहेगा और बच्चों को समझाने में काफ़ी इजी रहेगा, है ना। इनिशियल में आपको ड्राइंग करना है, क्योंकि जितना आपने देखा होगा उतना ज़्यादा अच्छा याद रहता है ना। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, तो हमारी ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है, ये हमारी थर्ड वाली है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 100 पे 1 चाहिए, 1 चाहिए तो 1 ले लेते हैं। चलिए हो गया 1 हमारा, है ना। तो ये हो गया, देखो बेटा हमारा 1 हो गया, है ना। यहाँ पर 2 चाहिए तो ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, 1 2। ये चाहिए 1 तो लगा दो 1 इधर, तो ये हो गया 1। तो क्या होगा 1, समझिएगा 1 2 1 1 2 1 121, ऐसे हम इजी लगा सकते हैं। बोले सर ये नहीं, हमको तो एक और नंबर लगाना है। बोले कौन सा नंबर लगाना है, हमको सर लगाना है 5 5 5, हमको लगाना है 5 5 और 5। चलिए ड्रॉ करते हैं कैसे करेंगे, 5 5 5 लिख लेते हैं पहले। क्या चाहिए हमको, यस हमको चाहिए 5 5 5, हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए अभी 5 5 5 चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, बे ड्रॉ कर देते हैं। तो बेटा चलिए चलिए चलिए, ठीक है चलिए। तो यहाँ पर क्या चाहिए मुझे 5, है ना। तो 5 के लिए हम क्या करते हैं, अपर बिट को डाउन कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 5। देखिए यहाँ पर हमको 5 चाहिए तो ये हो गया हमारा 5, है ना, इजी है। और यहाँ पर भी 5 चाहिए तो ये भी हो गया हमारा 5 हो गया, है ना, 5 5 और 5 हो गया। तो अब एक इसमें कैसे करेंगे इसको, देखिए इजी है। पहले क्या करना है, इसको पूरे को 0 0 लगा देते हैं, पूरे को हम 0 0 0, हमारा सारा ये हो गया। तो 5 5 5 कैसे करते हैं, देखिए 5 5 5, ऐसा भी नहीं, अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करना, देखिए 5 डाउन 5 डाउन 5 डाउन, क्या हो गया 5 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
प्रकार है उसका हम इजीली कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम 6, 7, 8 क्या लेते हैं, हाँ है? 6 ले लेंगे पहले, फिर 7 ले लेते हैं, फिर बाद में 8 ले लेते हैं, है? समझिए, बहुत ईजी है, देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक आप कर लोगे तो आपको जो भी आगे के लेक्चर्स हैं, है ना, डायरेक्ट एडिशन है, उसके बाद बिग फ्रेंड्स हैं, स्मॉल फ्रेंड्स हैं, वो सारा का सारा जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन के जो भी हैं, वो सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पीड में करना है। अभी तो हम समझा रहे हैं इसको, तो आप इतना स्पीड में नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसका फिर धीरे धीरे आपको मेंटल मैथ्स में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर इसको आपको ये इंस्ट्रूमेंट को आपको छोड़ देना है, बच्चे को क्या करना है, इस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ना है अल्टीमेटली। तो उसके माइंड में जैसे जैसे जो बीट से मूव करेंगे, वैसे वैसे बच्चे का ब्रेन जो है, उसके न्यूरॉन्स हैं काफ़ी पावरफुल होंगे, और उसकी क्लास में जो कंसंट्रेशन बच्चे कहीं नहीं कर पाते हैं लिखने में, जो समझें, लिखने के लिए और लेक्चर सुनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना। मैं भी इंजीनियर हूँ बेसिकली, मैंने भी साइंस किया हुआ है, तो मुझे एक बात मालूम है कि कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। जितना आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना कुछ भी नया सीखना है, SS है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है ना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, है ना। छोटे बच्चे में मेडिटेशन वो नहीं कर सकते, है ना, और काफ़ी सारे और भी टूल्स आते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, बट ये भी एक अच्छा टूल है। इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बच्चे का बढ़ेगा और मैथ्स का जो डर है बच्चे का वो धीरे धीरे निकल के भागेगा, है ना। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे 6, 7, 8 6 करेंगे, 7 करेंगे और 8 करेंगे, है ना। ईजी है, समझिएगा। देखिए प्लान ड्रॉ करेंगे, समझने का ट्राई करेंगे, है ना, पूरा का पूरा एक एक चीज समझेंगे, है ना, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, आराम से सब कुछ हम समझेंगे। ये 6 किया है तो 6 कैसे करेंगे, देखिए 5 करेंगे पहले। 5+1 क्या होता है, 6 होता है, तो ये हो गया हमारा 6, 5 हो गया, ये हो गया 1। 5+1 क्या होता है, 6 होता है। अब ये करना है हमको 7, है ना, तो हाँ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए खास, है ना, जो भी आपके साथ के जो हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं या जिनको भी अवेयरनेस में इंटरेस्ट है, उनको आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप शेयर कर दीजिए सिर्फ, ठीक है। तो ये 7 है तो ये 5 हो गया, है ना, तो 5+1 6, 6+1 7 हो गया, ठीक है। 8 है तो 5+1 6+1 7+1 8 इजी एकदम, देखिए, है ना, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 7, ये हो गया हमारा 8, ठीक है। चलिए तो पहले 0-0 सेट कर देते हैं, पहले हम क्या करेंगे 6 लेके आएंगे। चलिए तो ये 5+1 क्या होता है, 6, ये 7 है तो 5+1 6, 6+1 क्या होता है, 7 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें 8 की, तो 5+1 6+1 7+1 8, तो 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये हमारा हो गया इधर 8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया देखिए 6 7 8, तो इसके हेल्प से आप 999 तक आप आराम से, अगर 999 तक का नंबर है तो आप इन 3 रोड से अपना काम चला सकते हो। 1000 आ गया है, अगर 1000 आ गया है, ठीक है, 1000 नंबर है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, है ना, कोई ऐसी कोई पैनिक वाली बात नहीं। 1000 नंबर हो, है ना, तो भी आपको चिंता नहीं करनी है, 1000 हो, 10,000 हो, इजीली हो जाता है। तो 1000 कैसे करेंगे, देखिए 1000 करने के लिए हमको 4 रोड चाहिए, 1, 2, 3, 4, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। तो 1000 करना है सिर्फ मुझे, देखो ये है ना, ये 0, 0, 0 यहाँ पर पहले आप इस खींच दीजिए बस, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कर दीजिए। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 1000 1000 1000 0, 0, 0, 1, 0, 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
कि 1 2 5 1, है ना, 1 2 5 1। तब क्या करोगे उसके लिए, एकदम इजी है, हम ड्रॉ करेंगे पहले। ये 1 है तो ये हमारा हो गया 1, ये 2 है ना, तो ये 1, ये हो गया हमारा 2,
ये 5 है तो ये हो गया हमारा 5, ये फिर से 1 है तो ये हो गया हमारा 1। तो देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है, तो उसको अवे केस में हम करेंगे, है ना। देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमने फोर्थ पे क्या किया, फोर्थ पे क्या किया 1, तो हाँ 1 अप, इस पे कितने हैं 2 1 2 1 2 1 2, ये कितना है 5 है तो ये हो गया हमारा 5, ये कितना है यहाँ पर 1 1, तो कितना हुआ देखिए 1 हुआ यहाँ पे, ये 1 ये 2 ये 5 ये 1, तो 1 2 5 1 1 2 5 1 हमको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ 10,000 भी कर सकते हो, 1 लाख भी कर सकते हो। ठीक है, 10,000 यहाँ पे कर सकते हो, 1 लाख, और यहाँ पे 10 लाख तक आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, पर इनिशियल स्टेज में आपको 999 तक इनफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ानी है। ठीक है, ओके, तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डायरेक्ट प्लस, डायरेक्ट प्लस कैसे करते हैं, डायरेक्ट माइनस कैसे करते हैं विदाउट बिग फ्रेंड्स एंड स्मॉल फ्रेंड्स। बिग फ्रेंड क्या है, स्मॉल फ्रेंड क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे मैंने दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद की वीडियो बन चुके हैं ऑलरेडी और मैं डाल दिए हैं यूट्यूब पर, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है आप आराम से उसको देख लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट प्लस माइनस कैसे होता है, बिग फ्रेंड में भी प्लस है माइनस है, उसके बाद स्मॉल फ्रेंड में भी प्लस है माइनस है, वो सारा का सारा मैंने कंटेंट डाल दिया है, फ्री में है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा है, मैंने अपना नंबर भी डाला हुआ है, किसी को लाइव सीखना है, वैसे सब कुछ दिया ही हुआ है मैंने, पर तो भी कुछ लग रहा है कि सर ज़्यादा लाइव सीखना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, पेरेंट्स हो आप तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो भी आप बताइएगा, मैं हेल्प आपको ज़रूर करूँगा। ठीक है, हमारा ये कोचिंग क्लास गुजरात में है, गांधीनगर में है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो के लिए आपको मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस वीडियो आपको मैं बना रहा हूँ, रेगुलरली अपडेट रहेगा, मैं बंद नहीं करने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि वीडियो मैंने बना दिए सारे के सारे, ऐसा नहीं है, यहाँ पर मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर करता रहता हूँ, तो रिकॉर्डिंग आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, बाय।